नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो आपके सामने एक नया पाम लेकर हाजिर हैं और इस पाम को आज हम पढ़ने वाले हैं। जातक की उम्र जो है 22 साल का अप्रॉक्स हो चुकी है। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहे कि क्या कुछ यहाँ पर जीवन में रहेगा। अभी वैसे तो ज़िंदगी शुरू हुई है, ज़िंदगी स्टार्ट हुई है एक्चुअल में, तो देखेंगे क्या कुछ देखने को मिलता है। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाता है, नहीं तो आप हमारे सेंटर में भी आ सकते हैं, उसका एड्रेस भी आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर अगर हाथ आप देख पा रहे हैं, वो हाथ जो है वो स्क्वायरिश बन रहा है, पूरा स्क्वायरिश है। तो मेहनत अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी यहाँ पर दिख रही है। हाथ में थिकनेस अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। ये दिख रहा है कि मेहनती हाथ है, आगे बढ़ने की चाहत है मन में, ठीक है। लेकिन फिंगर्स की प्लेसमेंट हम एवरेज कहेंगे, ज़्यादा लंबी फिंगर्स नहीं कहेंगे। अगर हथेली इतनी बड़ी है तो हथेली के साइज़ के हिसाब से फिंगर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो कामयाबी मिलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से कामयाबी मिल जाएगी। और पैसा भी ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाला है, मतलब हम कह सकते हैं कि क्विक डिसीजन कभी कभी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसी कंडीशन आपके लाइफ में भी आ सकती है कि आप जल्दबाजी में फैसले ले लें, उसके वजह से जीवन को नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। चलिए लेंथ की बात करें तो सूर्य की फिंगर आपको लेंथ में हाई ऊंची थोड़ी सी आपको ऊंची दिखेगी गुरु से। गुरु की फिंगर भी लंबाई में अच्छी खासी है, लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहने की उम्मीद यहाँ पर है, ठीक है। और अगर मैं शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि फिंगर जो है वो भी लेंथ में ठीक ठाक है। पैसा भी यहाँ पर व्यक्ति अच्छा खासा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम्युनिकेशंस भी ठीक ठाक रहने वाली है, कोई ज़्यादा फिंगर जो है छोटी नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल भी रहेंगी, ठीक है। कोई यहाँ पर नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। सबसे अच्छा गुरु पर्वत इनका दिख रहा है। अगर माउंट्स की हम बात करें तो गुरु पर्वत पर एक सिंपल सा आपको सीधा सा क्रॉस का सिंबल नज़र आएगा। देखिए इतना स्पष्ट गुरु के पर्वत पर क्रॉस का सिंबल बनना एक तरह का राजयोग होता है। देखिए एक ऐसा क्रॉस ही आपको बहुत तरक्की देगा। गुरु के तो गुण इससे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, साथ में वैवाहिक जीवन आपका अति उत्तम हो जाएगा। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है, जहाँ तक कि कह सकते हैं कि विवाह से काफ़ी ज़्यादा फायदे और काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें बेहतर हो जाती हैं ज़िंदगी में। और साथ में हम कह सकते हैं कि ऐसे जहाँ तक जब वैसे तो ये 100% नहीं होता है, जब यहाँ पर आपको गुरु पर्वत पर एक क्रॉस भी दिखे तो लव मैरिज के चांस भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए और भी साइन देखने पड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में गुरु पर्वत पर इतना शुभ साइन ये माना जाता है कि वैवाहिक जीवन को अति सुखद एक कर देगा, ठीक है। और स्पेस इसको अच्छी मिल रही है, तो गुरु पर्वत अति उत्तम है। हालाँकि हम ये कह सकते हैं कि शनि पर्वत थोड़े से फ्लैट हैं और यहाँ पर एक पैतृक संपत्ति के निशान आपको मलते हुए नज़र आएंगे। कोई रुपया पैसा जायदाद जो है व्यक्ति को कह सकते हैं कि अपने माँ बाप से, भाई बहन से, या फिर कुछ भी कह लो, धन की प्राप्ति होने के योग हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर क्या आ रही है कि भाग्य रेखा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है कि जब भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँचे तो व्यक्ति एंड पीरियड तक भी तरक्की करता है, उसका जो तरक्की का सिलसिला वो चलता जाता है एकदम। लेकिन भाग्य रेखा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपको दिखेगा कि 50 के आसपास या 45 के आसपास जाके रुक गई है, उसके बाद कोई ऐसा इशू ऐसा लाइन आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल वाला कारण बन सकता है। हाथ में गर्डल ऑफ वीनस भी आपको बनता हुआ दिखेगा, देखिए। तो ये मूड स्विंग होने के चांसेस को क्रिएट करता है। जब ऐसा कर्डल ऑफ वीनस हाथ में बनता है तो व्यक्ति धैर्य जल्दी खो देता है, मतलब घबराहट जल्दी हो जाती है, व्यक्ति विपत्तियों से लड़ नहीं पाता है। कोई मान लीजिए कोई कठिन सिचुएशन आ जाती है तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को संभाल नहीं पाता है, थोड़ा सा डर जाता है, ठीक है। मूड स्विंग होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा निशान जब हाथ में होता है तो ये आप तय कर लें कि ऐसे जातक ने अपने गरीबी के दिन देखे हैं और उनके परिवार ने, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष को देखा है, ठीक है। जब कर्डल ऑफ वीनस हाथ में बनता है तो थोड़ा मूड स्विंग होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए बन जाते हैं।
अगर मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ, सूर्य पर्वत पर आपको अच्छी रेखाएं दिख रही हैं, यहाँ पर एक स्टार की फॉर्मेशन बनती हुई आपको ऐसी दिखेगी। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको 45 के बाद बहुत बड़ा लाभ देगी। और थोड़े सूर्य पर्वत दबे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान सम्मान प्राप्त करने में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इनका बुध पर्वत काफ़ी स्ट्रांग है, जो विवाहिक एरिया है या फिर प्रोफेशन वाइज कह लें, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अगर एक्चुअल में हम इनकी विवाह रेखा को देखते हैं, अगर इस रेखा से आपको नज़र आ सके, देखिए कुछ रेखाएं, वैसे तो कुछ रेखाएं हैं ऐसी कुछ जुड़ रही हैं, उसके साथ एक और रेखा बाईफोर्क हो रही है। बाईफोर्क का मतलब क्या होता है कि दो चांसेस होते हैं। देखिए, बाईफोर्क का मतलब होता है पहले कि व्यक्ति अपनी मर्जी से विवाह करवाए, दूसरे चांस होता है कि जब विवाह हो जाए तो थोड़े से ट्यूनिंग बैठाने में व्यक्ति को दिक्कत आती है। तीसरा, ये निशान का मतलब माना जाता है कि जब व्यक्ति का विवाह होगा उसके पत्नी बीमार होती है, अगर पति के हाथ में है, नहीं तो पत्नी के हाथ में, तो पति बीमार होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चांसेस आपके हाथ में ये बने हुए हैं। ठीक है, और वैवाहिक जीवन अच्छा खासा यहाँ पर रहेगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत वेल एंड गुड है। वैसे तो शुक्र पर्वत की अगर हम देखें, इनकी जो भाग जीवन रेखा है थोड़ी सी आपको दूर शिफ्ट होती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह करता है। क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान से दिखेगा कि कुछ रेखाएँ यहाँ पर बाहर की तरफ जा रही हैं और इसको स्पेस ज़्यादा मिल रही है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं व्यक्ति को रुपया पैसा या फिर हम कह सकते हैं कि कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ सकता है, तो ये चांस हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत को थोड़ी स्पेस अधिक नहीं मिल पा रही है, जिसके मैंने कर्ण और वीनस बन रहा था, जिसकी वजह से मूड स्विंग, थोड़ा सा मन जो है चिंतित रहता है, रहने के चांसेस भी हैं, और ये इसका निशान है। ठीक है, चलिए रेखाओं को देख लेते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में आप देखें, स्टार्टिंग जो भरा जीवन है काफ़ी स्ट्रगल, बीमारियों से घिरा हुआ था, उसके बाद कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन इस एज में, इसमें एक बड़ा यव का निशान आपको प्रॉपर दिखने को मिलेगा। जब देखिए किसी भी रेखा पर कोई यव का निशान बनता है तो वो आपको तकलीफ़ देगा ही देगा, या छोटी तकलीफ़ दे या बड़ी तकलीफ़ दे, या कोई गंभीर बीमारी दे दे या कोई चोट वगैरह लग जाए, तो ये गंभीर बीमारी के मतलब सभी चीज़ों के निशान होते हैं। ठीक है, और इसका आगमन कहाँ से हो रहा है, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से अगर इसको कैलकुलेट करें तो 25 के बाद से आगमन हो रहा है, और 25 के बाद जो है ये काफ़ी बड़ा अजब का सिंबल है यहाँ। ये इसका एंडिंग पीरियड जो आप मान के चलें कि कम से कम 38 35 35 36 37 तक इसका एंडिंग पीरियड नज़र आ रहा है, मतलब इस पीरियड में आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अपने हेल्थ वाइज चोट वगैरह लगना, कोई बीमारी होना, कोई मतलब इस एज में आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, देखिए एक तो यब का निशान बना ही बना है, साथ में कुछ रेखाएँ भी ऐसे काट रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ प्रोग्रेस रेखाएँ भी यहीं से उठ रही हैं, तरक्की भी होगी लेकिन प्रॉब्लम भी इस एज में आएगी ही आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि इस एज में देखिए, लाइन पहले तो अंदर की तरफ गई कि बाहर की तरफ भी जा रही है, चंद्र पर्वत की तरफ भी जा रही है, फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ इशारा कर रही है, फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा कर रही है। तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवलिंग के योग भी हाथ में काफ़ी अच्छे यहाँ पर हैं। हम कह सकते हैं कि बिजनेस वगैरह क्या पता यहाँ पर फॉरेन के लिए जाएं, लेकिन बाद में घर वापस भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी कोई मान लीजिए कोई रेखा आपको जीवन रेखा से उठती हुई सिंगल रेखा आपको चल रही है, तो इस हाल में तो फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट के योग पूरे हैं। यहाँ पर हाथ में क्या हो रहा है कि दो रेखाएं आपको बनती हुई दिख रही हैं। हम कह सकते हैं कि बिजनेस काम काज के लिए, रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, या दूर भी जाना पड़ सकता है, फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, लेकिन बाहर घर में घर भारत भी वापसी यहाँ पर जरूर होने वाले, जहाँ भी आप रहते हैं। अगर भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा इतनी प्रोमिनेंट नहीं नजर आ रहा। देखिए पहले पहले यहाँ पर बनी, उसके बाद थोड़ी टूटी, उसके बाद ग्रोथ यहाँ पर दिखेगा इस एज में। 28 के बाद अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, 28 के बाद तो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन उसके बाद 28 के बाद थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी उम्र कम है, मेच्योरिटी अभी लाइफ में नहीं है, हाथ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लाइनें और क्रिएट होंगी, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 28 के बाद ही एक्चुअल में ग्रोथ नज़र आ रही है। ठीक है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा बन रहा है देखिए यहाँ पर, लेकिन ये खुला हुआ है तो पैसे जितने आएंगे आपको जाएंगे भी, इसमें आपको दो राय नहीं है। जितने ज़्यादा पैसे आपके पास बनेंगे उतने पास ही आपको खर्च भी होंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि
गुरु पर्वत यहाँ पर यब का सिंबल अंगूठे पर बनता हुआ नजर आएगा। बन तो इधर से है लेकिन इधर खुला हुआ भी है, लेकिन यब का सिंबल बन रहा है, ये अच्छी बात है। तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, पैसा भी व्यक्ति कमाएगा, लेकिन पैसे खर्च अधिक होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। यहाँ पर अगर देखें मत्स्य रेखा, तो मत्स्य रेखा बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ऐसा इमोशनल यहाँ पर कोई इमोशनल कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। थोड़ा सा डार्किश हो रहा है रंग, तो हल्का सा सिरदर्द रहने की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती हैं, कोई और ज़्यादा इशू नहीं है। हृदय रेखा भी थोड़ी सी डार्क हो रही है, तो आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि हृदय संबंधी रोग जो है आपको परेशान कर सकते हैं, पेट में जुड़ी बीमारियां, आपको इन्फेक्शन वगैरह जल्दी पकड़ने के चांसेस हैं। जितनी ज़्यादा डार्क लाइन होती है थोड़े से इश्यूज बढ़ते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह बीमारियां बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। और ये हृदय रेखा गुरु पर्वत पर पहुँच रही है, ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। हाथ में लव मैरिज के इंडिकेशन भी आपको काफ़ी हद तक आपको मिलेंगे हाथ में, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन अति सुखद रहने वाला है, क्योंकि गुरु पर्वत पर हृदय रेखा पहुंच रही है। अपने रिश्तों और नाते के प्रति काफ़ी यह व्यक्ति ईमानदार होता है, लॉयल होता है, ऐसे जातक के पास दया भावना काफ़ी होती है, दयालु काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी का बुरा ऐसे जो व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ग्रोथ है 28 के बाद ही दिख रही है। फॉरेन ट्रैवलिंग के पूरे पूरे योग हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए, कामकाज रोटी कमाने के लिए हो सकती है, और वैवाहिक अधिकतम यहाँ पर रहने वाला है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपना हाथ पर जरूर पढ़वाएं मेरे साथ जुड़कर, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।